उधम सिंह नगर में चार धाम यात्रा से लेकर पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 क्विंटल से अधिक मिलावटी पनीर पकड़ा है। ये नकली पनीर रिफाइन तेल अरारोट आदि मिलाकर तैयार किया गया था। दरअसल कल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसे देखते हुए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश में आ रहे मिलावटी दुग्ध पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में काशीपुर खाद्य सुरक्षा विभाग व FDA विजिलेंस स्टूडेंट्स की टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी पनीर पकड़ा है। मिलावटी पनीर UP के रामपुर से कार से लाया जा रहा है। इसकी भनक खाद्य सुरक्षा विभाग और FDA विजिलेंस देहरादून की टीम को लग गई। कार को रोककर जब चेकिंग की गई तो डिग्गी में भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद किया। बताया जा रहा है कि मिलावटी पनीर रामनगर के एक रिजॉर्ट में लाया जा रहा था। आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्री आर राजेश कुमार के निर्देश के क्रम में पूरे उत्तराखंड में मिलावटी पनीर दुग्ध पदार्थ के विरुद्ध औचक कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जो है उपायुक्त महोदय मुख्यालय और विजिलेंस की टीम यहां काशीपुर आई थी, तो सुबह हमने 4 बजे से दड़ियालोड में वाहनों की चेकिंग करी, तो चेकिंग के दौरान तकरीबन 5:30 बजे ये 2 वाहन आए, इनमें जो पनीर पकड़ा गया, ये पनीर रामनगर जा रहा था होटल और रिजॉर्ट में बैठने के लिए। और प्रथम दृष्टया जो है ये पनीर जो है मिलावटी प्रतीत हो रहा है, और इसमें हमने जो है हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार द्वारा जाँच 3 नमूने ले गए हैं, और ये नमूने आज ही जांच के लिए भेजे जाएंगे ताकि यथाशीघ्र इनकी रिपोर्ट आ सके, हो सके कि हम कल तक हमारे पास इनकी रिपोर्ट आ जाए। प्राथमिक तौर पर क्या बताया गया है सर इन लोगों को? प्राथमिक तौर पर बताया गया है कि ये कहाँ से ला रहे थे? ये टांडा सवार से ला रहे हैं अपने, इनकी यहाँ फैक्ट्री है और ये काम निरंतर करते रहते हैं। अब प्राइवेट नंबरों में आते हैं, पहले दूसरे नंबर में आते थे, गाड़ियों में आते थे दूसरी में, तो निरंतर अपने वाहन बदलते रहते हैं ये, तो इसे पकड़ में नहीं आते काफ़ी लंबे समय से। बीच में हमने पकड़ा था इसे टीम, तो आज ही फिर पकड़ में आए। कितनी मात्रा में है सर ये? तकरीबन ये 3.5 क्विंटल पनीर है। वहीं FDA विजिलेंस देहरादून के उप निरीक्षक जगदीश रतूड़ी के मुताबिक उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा कमिश्नर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों के मिलावट को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि सभी जिलों में चलाया जा रहा है। देखिए कमिश्नर महोदय आर राजेश कुमार साहब के आदेश पर पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के सभी ज़िले शामिल हैं। मेन हमारा जो फोकस है डेयरी प्रोडक्टों पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट अनहाइजेनिक कंडीशन में डेयरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं और आम जनता द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग डेयरी प्रोडक्ट का किया जाता है। इसलिए इस पर राज्य सरकार, हमारे माननीय मंत्री महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री आर राजेश कुमार साहब बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं और उन्होंने समय समय पर इसके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इससे पूर्व हम चारधाम यात्रा वाले रूट पे भी अभियान चलाया था, जिसमें ऋषिकेश हरिद्वार हो गया है और आप पौड़ी टिहरी इन सब जिलों में भी विशेष अभियान चलाया गया और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। पंजाब क्रिस्टल टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।